कक्षा बारहवीं के सारे बच्चों को मेरा नमस्कार जैसा कि बच्चों आप लोगों का प्री बोर्ड एग्ज़ाम घर से ही आप लोगों का प्री बोर्ड एग्जाम चल रहा है और आपके हाल ही में यानी कि आपके एडमिट कार्ड भी जारी हो चुके हैं लेकिन आप प्री बोर्ड परीक्षा के जो क्वेश्चन हैं इन क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानिएगा ताकि आने वाले टाइमिंग में इन इस प्रकार के क्वेश्चन यदि आपको मैन बोर्ड एग्जाम में यदि आते हैं तो आप उसे अच्छे से सोल्व कर सके तो आइए चलो देखते हैं यहाँ पर आज भूगोल का सोल्यूशन में यहाँ पर एक से लगाकर तो तेईस तक के संपूर्ण सोल्यूशन में आज इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं ये आप देख सकते हैं कि यहां पर आप लोगों का कक्षा बारहवीं कक्षा बारहवीं बोर्ड परीक्षा भूगोल का सॉल्यूशन मैं बच्चों तो आपको यहाँ पर बताऊंगा ठीक है तो यहाँ पर जितने भी सारे क्वेश्चन है इस क्वेश्चन के यहाँ पर जितने भी सारे क्वेश्चन है uh, इन क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बताऊँगा ठीक है जितने भी सारे क्वेश्चन कक्षा बारहवीं भूगोल ठीक है तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जितने भी सारे क्वेश्चन हैं उसका संपूर्ण हल जितने भी सारे क्वेश्चन है संपूर्ण हल मैं बराबर आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ मेरे पास में यहाँ पर एक स्टूडेंट का कॉपी है ठीक है इस कॉपी में जितने भी सारे क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन के हल यहाँ पर लिखे गए हैं तो आप फटाफट पर इन क्वेश्चन के को राइट करते जाइएगा या पेपर में चिन्ह लगा लीजिए या फिर न, है ना या फिर इसके स्क्रीन शॉट ले लीजिए जितने भी सारे क्वेश्चन है ये क्वेश्चन हैं आप लोगों के जियोग्राफी यानी कि यहाँ पर ये जो ज्योग्राफी जियोग्राफी का जो कक्षा जो ट्वेल्थ है कक्षा ट्वेल्थ जियोग्राफी यानी कि भूगोल का संपूर्ण हल मैं आपको बता रहा हूँ ठीक है क्लास ट्वेल्थ कक्ष क्लास ट्वेल्थ जियोग्राफी है ना संपूर्ण हल यहाँ पर देखेंगे कि पहला जो प्रश्न है पहला प्रश्न में मार्क्स आएगा दूसरे में चीन आएगा तीसरे में व्यवसाय आ रहा है व्यवसाय या फिर व्यापार दोनों एक ही बातें ठीक है अगला देखेंगे कि महाराष्ट्र चौथे में महाराष्ट्र आ रहा है मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी करवा चुका हूँ बाकी का सेस में मेरा छुटा हुआ था पार्ट टू तो वही है लेकिन मैं इसको रिविजन करवा रहा हूँ और पाँचवें में आपका अजय संसाधन आएगा फिर प्रश्न क्रमांक दो टू यदि देखेंगे तो पहले मैं आपको अभूज

पहले में आपका सॉरी विश्व में निम्नतम लिंग अनुपात तो संयुक्त तो अरब अमीरात आ रहा है दूसरे में शामु कृषि तो या कुल खगोज आ रहा है तीसरे में मंगूर की कृषि भूमध्य सागरीय कृषि आ रहा है खाद्यान्न फसल गेहूँ आ रहा है परंपरागत ऊर्जा संसाधन कोयला आ रहा है इसकी स्क्रीन शॉर्ट ले लो चौथे का फटाफट आंसर देख लीजिए यहाँ पर चौथे का आंसर भी दिखाई दे रहा है एक हज़ार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या लिंग अनुपात ए पान एम इंटू वन थाउजेंड दूसरा प्रश्न एक सौ इक्कीस करोड़ तीसरे का आंसर देखेंगे बिहार व जम्मू कश्मीर चौथे का आंसर वन पॉइंट सिक्स सेवन सिक्स मीटर पांचवें का आंसर दस लाख से अधिक संख्या पांचवा क्वेश्चन सत्य और असत्य वाला था स्क्रीनशॉट इस, ले लो पहला सत्य है दूसरा भी सत्य है तीसरा असत्य है चौथा चौथा सत्य है पांचवा असत्य और छठा सत्य है स्क्रीनशॉट लेते जाइए आगे बढ़ते जाइए प्रश्न सिक्स देखेंगे तो अथवा का आंसर है ये अथवा का आंसर यहाँ पर सामने डिस्प्ले पर रहा है कोई दो पॉइंट यहां पर आप लोग को लिखना थे प्रश्न क्रमांक सेवन प्रश्न क्रमांक सेवन का स्क्रीन शॉट ले लो फटाफट क्योंकि मैं पढ़ूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा वीडियो लंबा हो जाएगा और यदि मैं आपको बच्चों कहना चाहूँगा कि यदि आपने बाकी के दूसरे सब्जेक्ट के सॉल्यूशन यदि संपूर्ण सोल्यूशन यदि नहीं देखा तो आप चैनल पर जाकर विजिट करें और आपको बिल्कुल सभी सब्जेक्ट का फुल सॉल्यूशन आपको चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया गया है और हाल ही में आप लोगों का एडमिट कार्ड जारी हो चुका है इसलिए आप लोग की अट्ठारह फरवरी से आप लोग की मेन बोर्ड एग्जाम शुरू हो रही है तो बच्चों आप लोग इस अध्ययन को कंटिन्यू रखना क्योंकि आने वाले टाइमिंग में जितने भी सारे इस प्रोमोट के क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और मायने रखते हैं तो यहाँ पर आप इनके स्क्रीन लेते जाइएगा और फटाफट आगे बढ़ते जाइएगा यदि आपको बाकी के किसी भी सब्जेक्ट का सोल्यूशन चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें यहाँ पर देखेंगे कि अगला जो है आप लोगों का यहाँ पर ये प्रश्न क्रमांक एट का आंसर स्क्रीन ले लो मैं पढ़ूंगा नहीं सिर्फ मैं आप लोगों को सिर्फ गाइडलाइन करने जा रहा हूं यहां पर प्रश्न क्रमांक नाइन का फटाफट जल्दी से स्क्रीन ले लीजिए इस प्रश्न का भी ताकि आप सो परसेंट वहां पर लिखते जाइए है ना या फिर वीडियो को आप पुश करके है ना या वीडियो को रोक कर भी इनके आंसर देख सकते हैं ठीक है यदि आप स्क्रीन शॉट नहीं लेना चाहें तो ये प्रश्न क्रमांक नाइन का आंसर बता दिया मैंने प्रश्न क्रमांक टेन प्रश्न क्रमांक टेन का आंसर यहाँ पर देख लीजिए डिस्प्ले पर आपको प्रश्न क्रमांक टेन का आंसर दिखाई दे रहा है ठीक है आप फटाफट चाहे तो वीडियो को रोक दीजिए वीडियो को रोक कर इसका आंसर लिख लीजिए या फिर इस स्क्रीन शॉट ले लीजिए आइए बढ़ते हैं फटाफट प्रश्न क्रमांक इलेवन प्रश्न क्रमांक इलेवन का आंसर यहाँ पर आपको डिस्प्ले पर दिख रहा है ठीक है प्रश्न क्रमांक इलेवन का आंसर जल्दी से नोट कर लीजिए ठीक है प्रश्न क्रमांक ट्वेल्ल का प्रश्न क्रमांक ट्वेल्व का आंसर ही ये हम आपको कक्षा बारहवीं भूगोल का संपूर्ण हल बताने जा रहे हैं प्रश्न क्रमांक ट्वेल्व का आंसर यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक ट्वेल्व ट्वेल्व का आंसर लिखा हुआ है प्रश्न क्रमांक थर्टीन प्रश्न क्रमांक थर्टीन का आंसर यहाँ पर थोड़ा सा लॉन्ग आंसर है ये तो प्रश्न क्रमांक थर्टीन का आंसर भी डिस्प्ले पर आपको दिख रहा होगा ठीक है यहाँ पर इतना आपको लिखना और उसके बाद में थोड़ा सा आगे इसको बढ़ाता हूँ मैं उसके बाद में आपको इतना सा यहाँ और बचा हुआ था ठीक है ये प्रश्न क्रमांक थर्टीन का आंसर प्रश्न क्रमांक फोर्टीन यदि आपने ऑलरेडी इनके सोल्यूशन यदि

प्रश्न क्रमांक सेवेंटीन का ओवर वाला आंसर है ये इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ने यानी कि प्रश्न क्रमांक एटीन प्रश्न क्रमांक एटीन का आंसर देख लीजिए यहाँ पर आपको पूरा डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा होगा आप चाहे तो वीडियो को रोक कर भी इसका आंसर लिख सकते हैं ठीक है अगला देख लीजिए है ना इसको यहाँ पर ये प्रश्न क्रमांक एटीन का आंसर है चलो जल्दी से इसको आ, इसका स्क्रीन शॉट ले लो एक ए के बारे में स्क्रीन शॉट आ जाएगा ठीक है ये प्रश्न क्रमांक एटीन का आंसर है आगे बढ़ें प्रश्न क्रमांक एटीन के बाद में प्रश्न क्रमांक नाइनटीन प्रश्न क्रमांक नाइनटीन में बच्चों यहाँ पर इस प्रकार का मैप आया है ठीक है तो मैप में हमने सॉल्यूशन कर दिया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपको पूरा सॉल्यूशन इसमें लिखा है आप थोड़ा सा इसको स्क्रीन लॉन्ग करके भी इसका आंसर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका मैप पूरा कंप्लीट कर दिया गया यहाँ सिंगापुर है हिंदी महाराष्ट्र ऑस्ट्रेलिया है है ना यहाँ पर न्यूजीलैंड है ये भूमध्य सागर है ठीक है ये पूरा अपने को उसमें बताना है ठीक है यहाँ ठीक है ये जितने भी ये यहाँ पर न्यूयॉर्क है भूमध्य सागर है ना नार्वे है तो यहाँ पर पूरा ये आपका सोल्यूशन इसमें प्रोवाइड करवा दिया गया आप इसे बिल्कुल ये इस प्रकार से है ना देख सकते हैं कि यूएस का औद्योगिक क्षेत्र ठीक है उसके बाद में ये जितने भी सारे आंसर्स हैं इनका इसको आप झूम करके भी देख सकते हैं ताकि आपको सही आंसर आप कर सके आगे बढ़े भैया आगे यानी कि प्रश्न क्रमांक ट्वेंटी में भी आपको बच्चों यहाँ पर मैप का क्वेश्चन आया था जो कि वो भी आपका सॉल्व कर दिया गया है ठीक है प्रश्न क्रमांक ट्वेंटी भी आपको यहाँ पर मैप का प्रश्न था ये यह मैप यहाँ पर देख लीजिए पूरा मैप का क्वेश्चन सॉल्व कर दिया गया है और बच्चों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करें लाइक करें दोस्तों मित्रों में तो शेयर करें ताकि सब बच्चों को एक से तो तेईस तक के एक से तो बीस सॉरी इसमें एक से तो बीस तक के क्वेश्चन दे रखें एक से तो बीस तक तो 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 के सारे संपूर्ण हल बच्चों को मिल सके और आप लोग आने वाले टाइमिंग में यानी कि आप लोगों का मेन बोर्ड बहुत ही जल्दी यानी कि अट्ठारह तारीख से आपका मेन बोर्ड एग्ज़ाम हो रहा है सत्रह या अठारह तारीख से तो आप मेन बोर्ड में जुट जाइए लग जाइए है ना और यदि आपको किसी भी सब्जेक्ट के दूसरे सब्जेक्ट के सॉल्यूशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें थैंक यू सो मच अपना ध्यान रखिए और कोविड नाइन्टीन प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ही आप घर से बाहर निकलें थैंक यू सो मच